बेटा, जिन्होंने ये फिल्म लिखी भी है और रेट भी की और इनको इस बात का भी क्रेडिट मिलना चाहिए और तालियां मिलनी चाहिए कि इन्होंने बेटा जैसा टाइटल चुना आपकी फिल्म के लिए। हाँ तारा चुलबुल तेरा, आपने यही टाइटल क्यों चुना सर? थोड़ा सा बड़ी है अब हमारी फिल्म के बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया है वो पीयूष सुहानी जी को मैं इसलिए तो सुना और इस फिल्म का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है करण मान, उनको भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, तशरीफ लाएं। आ जाइए, मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं। लाइट बंद हो गई। हमारी फिल्म के डीओपी मिस्टर विमल मिश्रा, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, बहुत सारे परिंदों को पनाह मिलती है, ऐसे ही एक शख्स जिनका शुरू से इस प्रोजेक्ट को लेके दुआएं रही, प्यार रहा, मैं उनको बहुत ही एहतराम के साथ आवाज देना चाहूंगा कि वो तशरीफ लाएं, मिस्टर रोशन लाल कंबोर। हमारे आदरणीय, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे थे और बहुत सपोर्टिंग थे सब मेरे, ये सारे सीन में बहुत सपोर्ट किया मुझे आर्यन भाई ने, अनिल सर ने, पीयूष भाई ने, तो बहुत अच्छा लगा काम करके। थैंक यू सो मच। इस फिल्म की जो खासियत है वो कहानी चूंकि आपको नहीं बता सकते, पर ये फिल्म हमारे समाज को सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि जिनको हम अपराधी मानते हैं वो दिखते भी हैं अधिकतर, पर वो समाज जो व्हाइट कॉलर होती है शायद उनका पर्दाफाश पहली बार किसी फिल्म में हो। उनकी बातचीत, उनका अपना क्लियर था इस कॉन्सेप्ट को हमें एक्चुअली क्या करना है, और काम करते समय तीनों जन बैठे और क्योंकि पहले कोई एक बहुत अच्छा अवेयरनेस है जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि ये एक्चुअली बेदाग क्यों है, तो आपको बड़ा मजा आएगा और थैंक यू। अब ये फिल्म ये सवाल भी उठाती है बार बार, और जो टाइटल सॉन्ग है इसका उसमें भी ये सवाल खड़ा किया गया है, सवाल पैदा किया गया है कि बेदाग क्यों है। जैसे कि कौशल ने बताया कि बेदाग का मतलब नाइंसाफी, अत्याचार। मैं उर्दू का आदमी हूँ, उर्दू साहित्य का आदमी हूँ, इसके बावजूद मुझे ये कहने में कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि मैं खुद बेदाग का मतलब नहीं जानता था। मुझे भी लुगत देखनी पड़ी, डिक्शनरी देखनी पड़ी कि बेदाग का मतलब क्या होता है। तो ये एक उर्दू लफ्ज है, और जैसे दाद देना, दाद मतलब किसी चीज़ की दाद देना, उसके साथ इंसाफ करना, और बेदाग नाइंसाफी। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इस
सारे गाने सिचुएशन पर लिखे गए हैं, कोई भी रेडीमेड गाना उठा के नहीं फिल्म में नहीं डाला गया है। ये सबसे बड़ी अहम बात है क्योंकि ये फिल्म एक कहानी कह रही है और बहुत अहम कहानी है वो, और जो चारों गाने हैं वो फिल्म की कहानी का हिस्सा है। मतलब हम फिल्म डायलॉग में बताते हैं और गाने जो होते हैं वो कहीं तरन्नुम में फिल्म को बयान करते हैं वो। तो ये जो चारों गाने लिखे गए हैं सिचुएशन पर लिखे गए हैं और फिल्म की कहानी को मद्देनजर रखते हुए ध्यान फिल्म की कहानी को नजर में रखते हुए गाने लिखे गए हैं। और एक अहम बात यह है कि इसका कोई भी गाना ट्यून पे नहीं लिखा गया है। आजकल क्या होता है कि पहले धुन बन जाती है फिर उसके ऊपर अल्फाज फिट किए जाते हैं। मेहनत भी कम करनी पड़ती है उसमें। हाँ शायद इसमें ज़्यादा ऑप्शन लिखने पड़ते हैं, हो सकता है कि एक जो मुखड़ा लिखा गया है उसकी धुन ठीक से नहीं बन पाई या डायरेक्टर को समझ में नहीं आया तो दूसरा मुखड़ा भी लिखना पड़ता है, तीसरा भी लिखना पड़ता है। इसमें लिरिसिस्ट का काम बढ़ जाता है। एक बार ट्यून जब फाइनल होती है तो उसमें एक कुश्ती है, एक बड़ा चैलेंज है इसकी। ये बहुत खास बात है कि इसके सारे गाने सिचुएशन पर लिखे गए हैं, कहानी से ताल्लुक रखते हैं है जो म्यूजिक का तजुर्बा रखती है और वो तजुर्बा इनके खून जो इनको विरासत में मिला है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, बहुत अच्छा है। जिस तरह फिल्म भी बहुत अच्छी है आप देखेंगे तो एक नई पोइट्री के साथ, क्योंकि आज एक चीज और है, लिटरेचर जा रहा है म्यूजिक से, कहीं से भी बोल उठा दिए कहीं से भी। ये दौर है, ये हमें भी समझ में आता है, कई बार प्रोड्यूसर का होता है, कई बार कॉर्पोरेट कंपनी कहती है, कई बार म्यूजिक कंपनी कहती है, नहीं यार ज़माने के हिसाब से, लेकिन लिटरेचर अपनी जगह कायम रहना चाहिए और वो आगे तक चलता है। इस फिल्म में भी आपको ऐसा कोई शब्द या ऐसा कुछ नहीं, मगर आपको गाने में भी एक पोइट्री नज़र आएगी। पुराने जो गाने आज भी बजते हैं वो क्यों बजते हैं? क्योंकि उनमें पोइट्री अच्छी है। मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे गाने के लिए या हिट गाने के लिए ट्यून भी अच्छी होना ज़रूरी है, उसका ट्रैक भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिरिक्स भी। लेकिन जब लिरिक्स किसी अच्छे ट्यून को अच्छे लिरिक्स मिल जाते हैं तो वो उस गाने की उम्र बढ़ जाती है। शायरी जो है, पोइट्री जो है, वो गाने की उम्र बढ़ाती है। इसलिए अच्छी शायरी की, अच्छे लिरिक्स की ज़रूरत गानों को पड़ती है। और जब जब भी अच्छा लिरिक्स आता है, अच्छी पोइट्री आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाती है और वो कहती है कि देखो ये मैं आया हूँ ये, और वो गाना देर तक चलता है, उसकी उम्र बढ़ती है। जुर्मों की किताबें सदियों से लिखी गई हैं, जुर्म होते आए हैं। इस फिल्म के माध्यम से प्रयास किया कि जुर्म की किताब सफेद हो जाए। सहना चाहूंगा कि पहले तीर्थ को देने से ना मेरा इंट्रोडक्शन हुई। मेरा नाम तीर्थ है और मेरे कैरेक्टर का नाम रुद्र है, और बहुत अच्छा लगा मूवी करके। चलो बड़े आगे ना भी अच्छा लगा। मैं कैसा लगा रोल प्ले करके सब सबके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा, सब एकदम सपोर्टिंग थे, और अगर मुझे कुछ होता था तो पूरा शूटिंग रोक देते थे, और आर्यन भाई के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। आर्यन जी, आप
मेरा बेसिकली करेक्टर जो है उसमें सारा एक बच्चा होता है, उस बच्चे का जो रोल प्ले किया है तीर्थ ने बहुत अच्छा प्ले किया, रुद्रा, छोटा रुद्रा, ये बड़ा रुद्रा मैं, तो बहुत अच्छा था तीर्थ के साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा। जो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी, उनका थॉट प्रोसेस था, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो आई डोंट नो, मेरे को बोलना चाहिए नहीं, कहीं ना कहीं लिखी स्टोरी है ये, और जो रोल प्ले किया तीर्थ ने बहुत बहुत अच्छा किया, वो मेरे को बूस्ट अप हमेशा उसने किया, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मेरे को एक बूस्ट अप मिलता था तो फिर उसी हिसाब से मैं भी अपनी एक्टिंग करता था, तो काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ काम करके। सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे तरह से पीयूष वानी सर हुए, बहुत अच्छा काम किया, रितु पांडे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पहली मूवी थी बट नो डाउट अच्छा काम किया उन्होंने भी काफ़ी। नहीं नहीं, मेरे को हीरोइन नहीं उसका दुख नहीं हो रहा, मेरे को करेक्टर इतना अच्छा मिला, इतना चैलेंजिंग था, वो मेरे लिए हीरोइन था, तो मेरे को उसको एंजॉय करने में ज़्यादा मजा आ रहा था, एंटी अल्लाह की मैं हीरोइन को एंजॉय करूँ। ये बेसिकली एक मैसेज है, एक बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार के ऊपर एक ये मूवी है, तो पूरी डोमेस्टिक वायलेंस भी बोल सकते हैं, और मैं पूरा नहीं खोल सकता क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड मूवी है, अगर मैं पूरा खोलूंगा तो वो आप एक बार देखो, पूरा सस्पेंस देखो और आपको बहुत पसंद आएगी। म्यूजिक इसका लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, लिखते हैं बड़ा मीनिंगफुल लिखते हैं, तो उन्होंने एक एक वर्ड जो लिखा है, एक एक गाना जो लिखा, बोले एक दर्द बयां कर, आप बेदाद का टाइटल ट्रैक सुनो, या जो दो गाने गाए, एक नीलम बत्रा ने गाने गाए, आप वो चारों गाने एकदम मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, और कौशल महावीर ने भी उनको बहुत अच्छा सराहा, बहुत अच्छा कंपोजिशन करी है उनकी, तो ओवरऑल मतलब अच्छा लगा काम करके। चैलेंजिंग टास्क था ये करेक्टर प्ले करना, सडनली साइको होना, बच्चा बनना, मैच्योर होना, रिवेंज, वो सब कुछ करना, तो बड़ा चैलेंजिंग था, और मेरे को सपोर्ट करता हमेशा तीर्थ, सपोर्ट करता रहा क्योंकि वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था साथ में। थैंक यू। कहानी क्या है? कहानी तो अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि बेदाद की जो कहानी है वो पोस्टर ही ब्याह करती है, इस हिसाब से ही पोस्टर को डिज़ाइन किया गया है। और इस फिल्म के बारे में अगर मुझसे कुछ जानना चाहेंगे तो बेदाद के बारे में बताएं। बेदाद का जो मतलब है वो एक बताया, जैसे शकील साहब ने इससे पहले, कि नाइंसाफी है उसका, अधर्म है उसका मतलब। ये एक बच्चे को, बच्चे के ऊपर बेस कहानी है, कई तरह के अधर्म होते हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक अधर्म हुआ है जो इस फिल्म में है बेदाद में। और इस फिल्म को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगन वो लगी है पूरी टीम की है, मैं अकेला इस फिल्म को बना नहीं पाता, और मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आता, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो वो फिल्म बोलेगी मेरी, और वही है बेदाद। अगर उसने बोला तो समझिए मेरी जीत है, और अगर उसने नहीं बोला तो मेरी हार है। थैंक यू। किशन, ये सवाल तुमने पिछले 3 सालों से मुझे पूछ पूछ के, देखिए बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, जो इस सब्जेक्टिव फिल्म होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं है, ये माउथ ऑफ पब्लिसिटीज चलने वाली फिल्म है, तो इसको 350 सिनेमा से हम ओपन कर रहे हैं ऑल इंडिया में, प्लस 350 सिनेमा हम इसके तमिल तेलुगू में भी कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा एडवेंचर है। इसको डब लैंग्वेज भी कर रहे हैं, तमिल तेलुगू, और आगे भी और 2-3 लैंग्वेज में हम लोग, हमारी प्लानिंग है तो इसको रिलीज़ करेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है कि फेस्टिवल फिल्म और कमर्शियल फिल्म, अगर कमर्शलाइज मतलब ये हो गया कि स्टार आपके जिसमें स्टार नहीं है और आपकी फिल्म को हॉट करनी है तो उसको आप फेस्टिवल में भेजते हैं, फेस्टिवल से लौटने के बाद यहाँ कुछ मिला है तो शायद हिंदुस्तान की नज़रों में आती होगी, रजिस्टर होती है कि हाँ इस फिल्म में कुछ तो है तो देखना चाहिए, ये हो गया। हिंदुस्तान के जो ऑडियंस है वो सिर्फ स्टार ही दिखाई देता है, उनको छोटी फिल्म या कोई
ऐसी फिल्म है जो बहुत कमाल की फिल्म है, वैसे फिल्म रह जाते हैं पीछे, और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जितने भी लॉबी हैं वो स्टार बेस है, क्योंकि बिजनेस हो गया। अब फिल्म फिल्म वो नहीं रही, जो फिल्म से जो मैसेज मिलता था वो मैसेज नहीं रह गई, अब फिल्म बिजनेस हो गया। और हमारे हिंदुस्तान के ऑडियंस भी ऐसे हैं जो 3 घंटे इंजॉय करने जाते हैं, वो दर्द लेने नहीं जाते, तो दर्द वाली फिल्में बहुत इसलिए कम आती है। सही बोला भाई, थैंक यू।